जैसा कि आज गोरखपुर विश्वविद्यालय में पहली बार संयुक्त परीक्षा कराई गई हैं, तो हम यहाँ पे आए हैं तो देखें सुबह से कुछ छात्र नेता लोग जो यहाँ पे परीक्षार्थी आ रहे हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं लगातार और सुबह से दौड़ रहे हैं। तो आइए हम कुछ छात्र नेताओं से बातचीत करते हैं। आपका नाम? शिवशंकर गौर। शिवशंकर जी, एक बात बताइए, जैसे कि आज पहली बार विश्वविद्यालय में गोरखपुर विश्वविद्यालय द्वारा संयुक्त प्रवेश परीक्षा कराई जा रही है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, गोरखपुर विश्वविद्यालय में ऐतिहासिक काम करने का कार्य किया, लेकिन कहीं ना कहीं मैं कर सकता हूँ पूर्ण रूप से गोरखपुर विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय प्रशासन और खासकर कुलपति जी और जितने भी लोग उनसे जुड़े हुए हैं, पूरी की पूरी व्यवस्था असफल रही। 350 से लगभग 400 महाविद्यालय हैं। आपको ये एहसास होना चाहिए कि आप सामूहिक परीक्षा कराएंगे, बच्चों की संख्या कितने आने वाली है ये भी आपको पता होना चाहिए, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन ने कोई व्यवस्था नहीं की। निराधार है, बस बच्चे कैसे हों पेपर दे पाएँ इतना बस जानिए। विश्वविद्यालय के कई बच्चों से हमने बातचीत की, जो नए प्रवेशार्थी थे उनसे पूछा, वो काफ़ी दूर दूर से आए थे और जैसे आपको पता है कि इस टाइम गर्मी बहुत ही ज़्यादा है, तकरीबन पारा इस टाइम 40 डिग्री के आसपास है या फिर उससे ऊपर ही है। तो इतनी गर्मी में जो बच्चे आए थे उनके लिए विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा या फिर मतलब अन्य लोगों द्वारा क्या सुविधाएं थी, पानी पीने की व्यवस्था थी या फिर जो यहाँ पे आए दिन सुनने में आता है शौचालय में गंदगी है, टूटे फूटे है और वैसे कई जगह पे शौच करके वैसे छोड़ देते हैं लोग, उसके बारे में आप बताएंगे कुछ, मतलब उसमें व्यवस्थाएँ की गई हैं या फिर वो ऐसे ही? देखिए, विश्वविद्यालय प्रशासन पूर्ण रूप से निकम्मा हो गया है, ठीक है ना, निकम्मा ये हो गया है, केवल वो लाखों लाख रुपए घोटाला करने में और अपनी सैलरी बनाने में लगा हुआ है। मैं आपको बता दूं, आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि इतने सारे बच्चे आए थे, लगभग 10 से 15 बच्चे विश्वविद्यालय में आए हुए थे पेपर देने के लिए, कहीं भी शुद्ध पेयजल की व्यवस्था नहीं है। मैं आपको पूर्व में ले जाना चाहता हूँ, पूर्व के सत्रों में लगभग 16 से 17 आर ओ वाटर लगाए गए थे, लगभग 15 आर ओ वाटर लगाए थे, पूरा का पूरा आर ओ वाटर घोटाले का भेंट चढ़ गया। वो घोटाले का पैसा किन किन लोगों ने खाया, मुख्य द्वार पर आप देखेंगे आर ओ मशीन लगा हुआ है, एक बूंद पानी उसमें नहीं है, प्रथम बात। लेकिन कहीं विश्वविद्यालय में पेपर हो रहा है तो ये मानना चाहिए कि पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। इतनी चिलचिलाती धूप में कसिया, कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज, सजन अनेकों जिले से बच्चे पेपर देने आए थे विश्वविद्यालय, लेकिन एक बूंद कहीं उनको पानी नहीं मिला। इस व्यवस्था को देखते हुए हम लोगों ने आज इसके लिए लड़ाई भी हुई, विश्वविद्यालय मुख्य द्वार हम लोगों ने जाम भी किया और कुल सचिव को ज्ञापित करके हम लोगों ने कहा कि अगर आने वाली परीक्षाओं में पानी की व्यवस्था, हेल्प डेस्क की व्यवस्था और बच्चों को स्थान स्थान पर जगह बताने की व्यवस्था नहीं की गई तो विश्वविद्यालय प्रशासन को हम चलने नहीं देंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और हमने काफ़ी बच्चों से बात किया तो उन्होंने कहा कि अंदर प्रवेश परीक्षा में काफ़ी सहयोग मिला है, पानी की व्यवस्था थी और कई जगह एसी भी लगे हैं जो कि चल रहे थे। क्या ये इसमें सत्यता है या फिर ये भी मिथ्या है? विश्वविद्यालय प्रशासन नकारी और निकम्मी है, आप ये जानिए। वो एक पंखा दे नहीं सकती, ठीक है ना, जिसमें तीन पत्ती होता है। मैं आपको बता दूँ, कुलपति जी रहेंगे 14 एसी में, एक पंखा चला नहीं सकते, एक आर ओ बनवा नहीं सकते, वो पानी और बिजली की व्यवस्था क्या देंगे? आप जाकर देखिए, केवल कैंटीन की व्यवस्था मैं आपको बता रहा हूँ महोदय, आप कैंटीन की व्यवस्था जाके देखिए ना, लाइटिंग साफ है ना बाथरूम साफ है, बच्चियों को कितनी असुविधा होती है। आप जानते हैं कि महिलाओं की अलग व्यवस्था होनी चाहिए, पुरुष भी वो प्रसाधन यूज करता है, महिलाएं भी वो प्रसाधन यूज करता है। आखिर विश्वविद्यालय प्रशासन सचेत कब होगा? और जिन लोगों ने आपसे ये कहा है, विश्वविद्यालय प्रशासन कोई भी कर्मचारी अधिकारी कहा होगा तो उनके सामने उनके साथ जाके आप अपने कैमरे के माध्यम से चीज़ों को दिखाने का काम कीजिए कि नकारी निकम्मी प्रशासन सच तो नहीं कर सकती और बच्चों के हित की बात नहीं कर सकती, कम से कम झूठ तो ना बोले वो। नहीं, हमसे किसी कर्मचारी ने नहीं कहा, हमसे जो प्रवेशी छात्र आए थे, छात्र छात्राएं, उनसे बातचीत हमने की, उन्होंने ये बात हमें बतलाई है। तो इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं क्योंकि आप यहाँ के बहुत पुराने छात्र नेता हैं और आप लोग लगातार संघर्षरत भी यहाँ रहे हैं, इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं। देखिए, बहुत धन्यवाद। मैं आपको बता दूं कि चंद कुछ ऐसे विभाग हैं जहाँ व्यवस्थाएं सही, मैं आपको गिनती बता देता हूँ। जैसे आप मजिठिया भवन चले जाइए, पंत भवन, जहाँ पे केमिस्ट्री, प्राणी विज्ञान और फिजिकल, वो भौतिक विज्ञान, वो पूरा का पूरा विभाग बहुत सुंदर और व्यवस्थित बनाया गया। आप आर्ट फैकल्टी में पेपर करा के देख लीजिए, वहाँ के लैट्रिन बाथरूम की दशा देख लीजिए आप वहाँ पे जाके। और कुछ विभागों में आप होगा, जैसे आप चले जाइए होम साइंस में, होम साइंस की व्यवस्था बहुत अच्छी है। मैं आपको बता दूँ, दृश्य कला में चले जाएंगे, दृश्य कला की व्यवस्था बहुत अच्छी है। आप LLB में चले जाएंगे, LLB की व्यवस्था बहुत अच्छी है। लेकिन आर्ट फैकल्टी में पेपर देने वाला बच्चा, दीक्षा भवन में पेपर देने वाला बच्चा, ये सब कहाँ जाएंगे? और एक चीज़ और आपके साथ प्लस करता हूँ, जिस भी बहन या भाई ने ये बात कही सही है, वो हो सके वो पंत भवन में पेपर दे रहा हो या होम साइंस में दे रहा हो या LLB में दे रहा हूँ, लेकिन जो मेन फैकल्टी है जहाँ से हजारों बच्चे पढ़ते हैं, वो फैकल्टी आज भी नज़रों से ओझल है और कम से कम दूरगामी परिणाम है उसका कि कोई साफ सफाई उसमें नहीं हो रहा है। इसलिए आपने बहुत ही अच्छी बात बताई और इस बारे में हम अन्य लोगों से भी यहाँ चर्चा करते हैं, बगल में है। आपका क्या नाम है? प्रिंस सिंह, गोरखपुर विश्वविद्यालय से मैं छात्र हूँ आपदा प्रबंधन का। प्रिंस भाई, तो आप हमें ये बताइए, जैसे कि विश्वविद्यालय द्वारा पहली बार यहाँ पर संयुक्त प्रवेश परीक्षा कराई जा रही है, उसके बारे में आपको क्या कहना है?
संयुक्त प्रवेश परीक्षा सभी छात्रों के लिए जो कहीं से भी संबंधित हो, महाविद्यालय से, विश्वविद्यालय से, उन सभी के लिए ये बहुत ही अच्छा पहल किया गया है प्रशासन द्वारा, ताकि दूर दूर के छात्र जिनको इधर उधर जाने में, प्रवेश के लिए, परीक्षा देने जाने के लिए दिक्कत का सामना करना पड़ता था, यहाँ पे वो सभी एक साथ एक जगह पे आके आसानी से यहाँ पे परीक्षा दे पा रहे हैं और उसका लाभ छात्रों को मिल रहा है संयुक्त प्रवेश परीक्षा कराने का। जी, बहुत अच्छा। और ये बताइए कि जैसे कि हम सुबह से देख रहे हैं यहाँ पे आप लोग तकरीबन 6 या 7 बजे से आप उपस्थित हैं, तो आप लोग किस प्रकार से नए प्रवेशियों का सहयोग कर रहे हैं या फिर मतलब क्या आप लोग क्या कर रहे हैं? नए प्रवेशियों के लिए हम लोग यहाँ पे लगे हुए हैं, सभी छात्र नेता, सभी भाई लगे हुए हैं यहाँ पे, उन सभी लोगों को उनके कक्ष तक, परीक्षा कक्ष तक ले जाने का कार्य और भी नेविगेशन का काम, जैसे उनको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो या फिर उनके एडमिट कार्ड में कोई समस्या हो या फिर परीक्षा कक्ष तक जाने में कोई दिक्कत, उसके लिए हम सभी लोग यहाँ पे, सारे छात्र नेता और भाई लगे हुए हैं यहाँ पे। चलिए ठीक। और जैसे एक बात और है कि इस गर्मी में लोग आ रहे हैं, पेपर दे रहे हैं, कई लोगों ने बताया कि मतलब अंदर पानी वगैरह की व्यवस्था थोड़ी ठीक थी और कई लोगों ने कहा कि ठीक नहीं थी, तो इसके बारे में आप हमें कुछ बताएंगे? ये मिला जुला जवाब कि पानी की व्यवस्था ठीक थी और नहीं ठीक थी, ये कुछ लोग जिनके लिए व्यवस्था थी उनके लिए ठीक थी, जो खुद अपना पर्सनल व्यवस्था करके आए थे उनके लिए व्यवस्था ठीक थी, बाकी जो छात्र प्रशासन के भरोसे आए थे उन छात्रों को इस चीज़ की सुविधा बिल्कुल नहीं मिल पाई है, क्योंकि प्रशासन जो भी लगा के रखा है यहाँ पे विश्वविद्यालय में, जितने भी वाटर कूलर या जो भी लगा के रखे गए हैं वो सब कार्यरत बिल्कुल नहीं है, उन सारे के सारे कल पुर्जे खराब पड़े हैं। और प्रशासन के लिए इसके आज सभी छात्र नेताओं ने मिलकर कुल सचिव से ज्ञापन दिया और बहुत ही बढ़िया विरोध किया गया है कि इसके लिए प्रशासन कोई कदम उठाए, इसके लिए वहाँ से आश्वासन भी दिया गया है कि जल्द से जल्द छात्रों का ध्यान में रखते हुए इस चीज़ की समस्या का हल निकाला जाएगा। चलिए, बहुत अच्छा आपने बताया विश्वविद्यालय समस्या के बारे में। अब बात करते हैं हमारे बड़े भाई रंजीत सिंह सिन्नेस से। तो भैया, आप ये बताइए कि जो विश्वविद्यालय द्वारा पहली बार संयुक्त प्रवेश परीक्षा कराई जा रही है, जिसमें दूर दूर से छात्र छात्राएं आई थी, तो उस संयुक्त प्रवेश परीक्षा को आप किस नज़रिए से देखते हैं? जैसे इस संयुक्त प्रवेश परीक्षा कराने के लिए मैं विश्वविद्यालय प्रशासन को धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि ये विश्वविद्यालय के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि जब कभी संयुक्त प्रवेश परीक्षा कराई जा रही है, क्योंकि इस प्रवेश परीक्षा का लाभ ये है कि गोरखपुर में कुछ ऐसे कॉलेज भी हैं जहाँ पे बच्चे जाते हैं एडमिशन के लिए तो उनसे डोनेशन मांगा जाता है, और डोनेशन के अभाव में जो मेधावी छात्र होते हैं उनका एडमिशन उस कॉलेज में नहीं हो पाता। मैं किसी कॉलेज का नाम नहीं लूँगा, मगर ऐसे कॉलेज बहुत से हैं जिसको आप जानते हैं, मगर इस संयुक्त प्रवेश परीक्षा से काउंसलिंग के माध्यम से वो बच्चे भी जिनके पास डोनेशन देने के लिए पैसा नहीं है वो लोग भी उस अपने मनवांछित कॉलेज में जाकर पढ़ सकते हैं। तो इसलिए मैं विश्वविद्यालय प्रशासन को धन्यवाद देना चाहता हूँ संयुक्त प्रवेश परीक्षा कराने के लिए। और जैसे कि आप यहाँ पे, हमने कई लोगों से बातचीत किया, यहाँ पे पानी और शौच की समस्या है जो काफ़ी पुरानी है विश्वविद्यालय की, उसके बारे में आप हमें कुछ बताएं। नहीं, ये बहुत बड़ी समस्या है, इसके लिए हम लोग मान लीजिए मैं करीब 2-3 सालों से संघर्षरत हूँ विश्वविद्यालय में, मैंने कई बार आंदोलन किए, धरना दिए, प्रदर्शन किए इसके लिए, और विश्वविद्यालय प्रशासन सारी चीज़ों के बाद, बदलाव तो बहुत तेज़ी से आ रहा है विश्वविद्यालय प्रशासन में, आप देख रहे होंगे कि हर डिपार्टमेंट फैकल्टी वाइज कार्य चल रहा है और सुधार आ रहा है, मगर वर्तमान समय में स्थिति है कि विश्वविद्यालय में सबसे ज़्यादा दुर्व्यवस्था 8 फैकल्टी में है, वहाँ पे ना सही से पंखे चलते हैं और वहाँ के वाटर कूलर जो भी हैं सब बंद हैं, और अभी तो मैं देखा कल मुझे प्यास लगा था, मैं खुद पानी पीने गया, मेन गेट का जो आरओ है वो भी बंद था, तो उसके लिए हम लोगों ने अभी कुल सचिव जी से बात भी किया है और मैं देखा कि आज विश्वविद्यालय में बहुत ज़्यादा भीड़ थी और विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा कोई भी ऐसा व्यवस्था नहीं किया गया था जिससे आने जाने वाले छात्राओं को पानी पीने की व्यवस्था मिल जाए, और उनको जो कि जो भी छात्र आ रहा है वो गांव से लोग आ रहे हैं, गांव से आने वाला विश्वविद्यालय बारे में कुछ जानता तो है ना कि मजेठिया भवन कहाँ है, 8 फैकल्टी कहाँ है, दीक्षा भवन कहाँ है, तो उनको एरो लगा देना चाहिए था कि ये रोल नंबर सही कि मजेठिया भवन इधर जाना है, दीक्षा भवन इधर जाना है, इसके कारण बहुत से छात्र परेशान थे, तो सभी हम लोग छात्र नेता मिल करके उनको उनके कक्ष तक पहुँचाने का कार्य किए हैं, जो विश्वविद्यालय प्रशासन को करना चाहिए वो कार्य सारे छात्र नेता मिल करके एक साथ किए।